बढ़ती उम्र के साथ क्रिकेट के माध्यम से अपना स्वास्थ्य बेहतर रखने के मकसद से एरोली सेक्टर 6 के मैदान में वंडर बॉयज 40 प्लस द्वारा 40 प्लस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां शहर की कई टीमों ने हिस्सा लिया। यहां अंतिम मैच सीबीडी 40 प्लस और खेड़े 40 प्लस के टीमों के बीच खेला गया, जहां एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए सीबीडी 40 प्लस की टीम ने खिताब अपने नाम किया, वहीं खेड़े टीम दूसरे स्थान पर रही। इस मैच का लुत्फ उठाने यहाँ खुद शिवसेना के नगर सेवक एम के मड़वी भी मौजूद रहे। आखिर मान्यवरों के हाथों आकर्षक चषक देकर विजेता टीमों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वंडर बॉयज 40 प्लस के उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने प्रतियोगिता को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर अधिक जानकारी दी। मकसद तो स्वास्थ्य ही है सबका, और ये 16 टीम इसमें थी और दो ग्राउंड में किया हुआ था। मड़वी के सहयोग से ये पूरा एक ग्राउंड बना हुआ है, करण ग्राउंड, जिसको वंडर बॉयज ने ऑर्गेनाइज किया था। काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्तर बहुत अच्छा था और गेम का स्तर भी काफ़ी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग गेम के हिसाब से। पूरे 16 की 16 टीमें जितनी भी हम लोग खेलते हैं, तो अपना सबका मस्ती है और कोई जीते कोई हारे इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे पहला उद्देश्य स्वास्थ्य और आपस में भाईचारा, वही हमारा उद्देश्य है, वही करते हैं। जिस तरह से 40 प्लस के ये जो प्लेयर्स हैं हमारे, जिस तरह से खेलते हैं वो सचमुच एक बहुत ही उम्दा खेल खेलते हैं। इस तरह से नहीं है कि 40 प्लस है तो कुछ तो मीडियोकर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका जो प्लेइंग का जो स्टैंडर्ड है वो किसी भी यंग प्लेयर को आप अगर कंपेयर करोगे तो उसका लेवल उतना ही अच्छा है जितना एक एंड प्लेयर का होता है। और इसके पीछे का राज यही है कि रेगुलर फिटनेस की तरफ ध्यान है, अपने हेल्थ के पीछे ध्यान है और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वक्त निकाल के, रेगुलरली टाइम निकाल के, पूरा वक्त दे के अपना फिटनेस और अपना सोशल जो एंगल है इसका वो ध्यान में रखते हुए पूरी शिद्दत से वो खेलते हैं इसमें। इसलिए आपने देखा रहेगा फाइनल का जो लेवल था वो काफ़ी एक हाई लेवल का टूर्नामेंट का लेवल था, जो कि किसी भी आप अगर यंग प्लेयर्स के भी टूर्नामेंट देख पाओगे तो उसका लेवल और इस लेवल में आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। उसका इक्वली वही लेवल है, सिर्फ यही है कि यहाँ के जो उम्र है वो 50 के ऊपर के भी है और 40 प्लस के सारे प्लेयर्स हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दैट। वंडर बॉयज़ की तरफ से हमारे कैप्टन सुरेश, इन सब की तरफ से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ सब लोगों को, सारे आयोजकों को और सारे लोगों को, कि ये चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें संधि प्राप्त हुई है इस चीज़ों में। और ये एक संकल्पना है जो हमारे मास्टर जो है पाटिल सर, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से इसका पूरा प्रोत्साहन, पूरी न्यू बॉम्बे को एक पिरोया है उन्होंने एक धागे में, जिस तरह से एक माध्यम प्रोवाइड किया है उन्होंने, कि जो कि एक सारे ओल्ड एज लोगों को अपना पैशन आज भी ज़िंदा रखने के लिए एक माध्यम बनाया हुआ है। जबकि हम यंग लोगों में जाके हिचकिचाते हैं लोगों में, उन बच्चों में खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे सारे समवयस्क लोगों के वजह से हम उसी लेवल का एंजॉयमेंट जो हम बचपन में खेलते थे वो वापस हम लोग री एंजॉय करने को हमें प्राप्त। सारी टीमों को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं और मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे कॉरपोरेटर एम के मड़वी साहब का, जिन्होंने हमारे लिए ये ग्राउंड की व्यवस्था करी है कि हम लोग यहाँ पर रोज़ प्रैक्टिस कर सकें और यहाँ पर आकर हम लोग टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकें। और आज की टूर्नामेंट जो हाईलाइट है आज की टूर्नामेंट का, वो ये है कि हम लोगों ने हर मैच को 5 ओवर में खिलाया है और 5, क्योंकि यहाँ दिन छोटे हैं और अंधेरा हो जाता है, इस वजह से 5 ओवर के नहीं खेल पाते। हम लोगों ने 2 ग्राउंड पर ये मैच टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करे थे, दूसरा ग्राउंड हमें अवेलेबल नहीं हो रहा था। ये हमारे जो उपाध्यक्ष हैं राणा जी, उन्होंने हमें वो ग्राउंड अवेलेबल करवाया और एम के दादा ने हमको ये ग्राउंड, बहुत मेहनत है, सारी मेहनत, हम लोगों का कोई हाथ नहीं इसमें, ना कोई मेहनत है,
उनका पर्सनल एक्सपेंसेस से उन्होंने पर्सनल मेहनत लेके बाकायदा खुद अपनी निगरानी में इस ग्राउंड को बनवाया और हमें खेलने के लिए दिया, इस ग्राउंड को अवेलेबल करवाया, इसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सारी 40 प्लस फैमिली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पहला 40 प्लस के लिए ग्राउंड है जो एम के साहब ने करवाया है और ये 40 प्लस वाले ही खेलते हैं इसमें। ये एक डेडिकेटेड हमारे लिए या 40 प्लस के लिए रहेगा, शायद हम भी खेलें, ये भी खेलें, कोई भी खेलें, ये एम के साहब की तरफ से हम लोगों को तोहफा। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।